हरियाणा का लाल ओलंपिक चैंपियन आज चैंपियन नहीं बल्कि मोस्ट वांटेड हो गया है। दरअसल हत्या के संगीन आरोप पहलवान सुशील कुमार पर लगे हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है और वो ये है कि सुशील ने अग्रिम जमानत की याचिका जो कोर्ट में लगाई उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल सुशील कुमार पर 1,00,000 का इनाम घोषित हो चला है। कोर्ट अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ दलीलें वहां पर रखी भी गई वो बताते हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील की बेल खारिज कर दी और कहा कि कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार प्रथम दृष्टया मुख्य षड्यंत्रकर्ता है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं। न्यायाधीश जगदीश कुमार ने कहा जांच अब भी जारी है और कुछ आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट पहले ही जारी किया जा चुका है, इसलिए इस चरण पर अदालत आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर नहीं करना चाहती। उधर जमानत की मांग करने वाले पहलवान सुशील कुमार की याचिका में कहा गया है ऐसा लगता है कि पीड़ितों के बयान पहले ही दर्ज कर लिए गए हैं और कथित बरामदगी कर ली गई है, हिरासत पूछताछ की कोई जरूरत है नहीं, उन्होंने झगड़े के दौरान कथित रूप से हुई गोलीबारी से कोई लेना देना है नहीं। उन्होंने कहा कि मौके पर जो हथियार और वाहन मिले वो उनके नहीं है। उधर इसी में दिल्ली पुलिस जिसने पूरी मजबूती के साथ इस केस पर काम किया उनकी ओर से पक्ष रखा गया, कहा इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं जिनमें सुशील कुमार को डंडे से पहलवान की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। फरार चल रहे सुशील कुमार का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है क्योंकि आशंका है कि वो देश छोड़कर जा सकता है। जांच अधिकारी दिनेश कुमार के अनुसार सुशील कुमार से हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि साजिश का खुलासा हो सके और उनसे अपराध में इस्तेमाल हथियार भी मिल सके। अदालत से उन्होंने कहा वो पूरे घटनाक्रम के मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने अपराध में प्रमुख भूमिका निभाई। फॉरेंसिक लैब विशेषज्ञों को मिले डाटा से अपराध में उनकी सक्रिय भूमिका पुष्टि होती है। राणा की मौत के बाद से सुशील कुमार फरार है और पुलिस उनकी तलाश में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर अब कोर्ट की ओर से जमानत अग्रिम याचिका खारिज होने के बाद अब सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि खुद सुशील कुमार की ओर से सरेंडर करने की बात कही जा रही थी लेकिन अब यहां पर पेच कुछ और फंसा हुआ नजर आता है और ऐसे में मुश्किलें सुशील कुमार पहलवान की बढ़ चली हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करें और तमाम जानकारियों के लगातार बने रहे हमारे साथ चैनल के साथ। नमस्कार।